आगामी त्योहारों को लेकर दिनारा थाना परिसर में शनिवार शाम को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद एवं परशुराम जयंती का त्यौहार मनाने की अपील की। इस दौरान शांति समिति की बैठक में उपस्थित संभ्रांत नागरिकों, व्यापारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी त्यौहारों को लेकर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने सभी से सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि आगामी जो दोनों त्यौहार आ रहे हैं उनको लेकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तो बेहतर व्यवस्था की ही जाएगी। इसके साथ ही सभी से अपील करते हुए कहा कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी आपसी भाईचारे और मिलजुल कर पर्वों को मनाएं। दिनारा से संवाददाता रानू राजपूत की रिपोर्ट। का क्लियर होगा कल कि 2 तारीख को ईद है या नहीं, अगर 2 को ईद नहीं है तो फिर 3 तारीख को ईद भी रहेगी और परशुराम जी का चल समारोह भी रहेगा, तो अपने यहाँ दो व्यवस्थाएं रहेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि दिनारा में इस प्रकार की कोई आज तक घटना घटित नहीं हुई है और ना ही आगे होगी। बाकी यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं, मिलजुल कर त्यौहार मना रहे हैं। अभी जो मैंने जो सब लोगों से साक्षात किया और चर्चा की, उसमें सामने यही निकल के आया है कि हम लोग अगर हमारा कार्य कराए तो हम तो ये चाहें कि मस्जिद के सामने से भी चल समारोह नहीं लें। और जो हमारे जो आशू तिवारी जी हैं और जो परशुराम जी के जो निकलवा रहे हैं, इनका भी कहना चाहिए कि जितना होगी हम पूरी मदद उसमें ईद के दिन भी करेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि त्यौहार यहाँ पर बड़ा अच्छा सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि मैं यहाँ पर थाना प्रभारी रह के इन लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाने में साथ में मदद करेंगे और एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाएंगे। थाना प्रभारी के द्वारा दोनों पक्षों को